What's up guys, I hope you're all absolutely good and fine. Welcome to my channel Only Cinematic. See something cinematic, see something new. Today I'm gonna show you. Today I'm gonna show you split screen effect in Filmora 9. Without further delay, let's start the video. At first, you should open the Filmora 9 in your laptop or desktop. I recommend you to download the default package effect comes with the Filmora 9. Check in the video description below for download link. So start करने से पहले आप जिस वीडियो के ऊपर ए स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट देना चाहते हो उसको इंपोर्ट कर लेना चाहिए. मैं मेरा रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो इंपोर्ट करूँगा. इंपोर्ट करने के बाद आपको जाना है स्प्लिट स्क्रीन जो आप देख रहे हैं ऊपर स्क्रीन में स्प्लिट स्क्रीन में. ये स्प्लिट स्क्रीन में बहुत सारा पैकेज आपको देखने को लिए मिलेगा. मैं मेरे रिकॉर्डिंग किया हुआ वीडियो के हिसाब से एक पैकेज चूज करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये, और ड्रैग करके टाइमलाइन में डाल देता हूँ. उसके बाद आपको क्या करना है, स्प्लिट स्क्रीन जो टाइमलाइन में आप दे रहे हो उसमें डबल क्लिक करना है और एडवांस में जाना है. एडवांस में जाने के बाद देखिए मेरे जो पैकेज के हिसाब से 1, 2 और 3, ये 3 वीडियो मैं दे सकता हूँ. तो फर्स्ट वीडियो को क्लिक करिए, ड्रैग करके 1 में डालिए. सेकंड वीडियो को क्लिक करिए, ड्रैग करके 2 में डालिए. और थर्ड वीडियो को क्लिक करिए, ड्रैग करके 3 में डालिए. एंड देन प्ले कीजिए. देखिए एक साथ वीडियो सीक्वेंस में प्ले हो रहा है, वो भी एक तरीके से. तो ये होता है स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट. आप अपनी तरह से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो. क्लिक ऑन द वीडियो और ऑडियो और कलर और मोशन. अगर मैं कोई भी मोशन ना दूं तो नो एनिमेशन में क्लिक करिए. और उसके बाद अगर आप एनिमेशन नहीं देना चाहते हो तो एनेबल स्प्लिट स्क्रीन एनिमेशन में चेकआउट कीजिए. और प्ले कीजिए. आपका अगर वीडियो साइज बड़ा हो तो स्प्लिट स्क्रीन को क्लिक कीजिए और ड्रैग करके बड़ा कीजिए. और प्ले कीजिए. देखिए स्प्लिट स्क्रीन में ऑटोमेटिकली वीडियो ड्यूरेशन आपका फिट हो जाएगा. सेकेंड मेथड से भी आप स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट आपका वीडियो में दे सकते हो. उसके लिए आपको क्या करना है, मीडिया में जाइए, जो वीडियो के ऊपर आप स्प्लिट स्क्रीन दे सकते हो वो वीडियो को टाइमलाइन में लेयर बाय लेयर ड्रैग कीजिए. मैं 1, 2, 3 वीडियो को लेयर बाय लेयर ड्रैग किया. अभी फर्स्ट वीडियो के ऊपर क्लिक किया. अगर आप प्रोजेक्ट सेटिंग मान लीजिए कि 16:9 करते हो वाइड स्क्रीन में, ओके कीजिए. फर्स्ट वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए और इसको ड्रैग कीजिए, अपने तरह से अरेंज कीजिए. सेकंड वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए, इसको ड्रैग करके अपनी तरह से अरेंज कीजिए. थर्ड वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए, इसको ड्रैग करके अपनी तरह से अरेंज कीजिए. अगर आप बैकग्राउंड में ब्लैक नहीं रखना चाहते हो उसके लिए भी सैम्पल कलर्स में जाइए. वाइट या तो कुछ भी कलर आपकी तरह से चूज कीजिए, ड्रैग करके नीचे डालिए और इसको वीडियो के ड्यूरेशन के टाइमलाइन के थ्रू अरेंज कीजिए और प्ले कीजिए. दिस गोना गिव यू द सेम इफेक्ट एज यू चोज द स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट.
तो इस तरह का आप स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट आप अपने वीडियो में दे सकते हो, या तो इंट्रो शुरू होने से पहले, या तो वीडियो के एंड होने से पहले, या तो वीडियो के मिडिल में। तो स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट देके आप बहुत सारे, इधर स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट है फिल्मोड़ा में, आप कुछ भी चूज करके अपने वीडियो के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो प्रीटी मच फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम गाइज विद न्यू वीडियो इफेक्ट। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइब माई चैनल ओनली सिनेमैटिक। सी समथिंग सिनेमैटिक, सी समथिंग न्यू। बाय बाय, टेक केयर।